दोस्तों, आप जब भी एक नया फ़ोन लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, वही फ़ोन जब भी आप कुछ दिन यूज़ करते हो, सिक्स मंथ या फिर 7-8 मंथ जब आप यूज़ करते हो, तो वही फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, फ़ोन स्लो क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो यार, आपका फ़ोन अगर स्लो चलता है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपके फ़ोन को स्लो से वापस फास्ट बना देने वाला हूँ। तो यार, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज आपको मैं कुछ इस टाइप के टिप्स बताने वाला हूँ ना, जो आप जब अप्लाई करोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका फ़ोन जो है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो दोस्तों, टिप नंबर 1, क्लीन स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, आप कभी कभी दूसरों को देख के या फिर आप भी जब प्ले स्टोर खोल के बैठते हो तो बहुत सारे ऐसे आपको एप्लीकेशन दिखाई देते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे आपको देखने में लगते हैं, और वो आपको इंस्टॉल भी कर लेते हो। जब 2-3 दिन यूज़ करते हो, उसका डाटा जो स्टोर हो जाता है, उसके बाद आपका स्टोरेज जो है वो धीरे धीरे फुल होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप वो एप्लीकेशन वगैरह यूज़ तो करते हो लेकिन स्टोरेज को क्लीन करना भूल जाते हो। जो भी आपका अनवांटेड फाइल्स है वो सबके सब डिलीट कर दो, क्योंकि वो किसी काम का होता है नहीं है बेसिकली, और आपका फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्लो भी बना देता है। तो यार, अगर आप स्टोरेज को क्लीन करोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका फ़ोन जो है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। टिप नंबर 2, फ्रेश स्टॉप अनवांटेड फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐप जो है आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होते, या फिर कुछ एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हो ना आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, राइट? तो उस टाइप के एप्लीकेशन जो है आप फ्रेश स्टॉप कर सकते हो, जिसकी मदद से वो एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिक रन नहीं होगा, और ना कि आपका स्टोरेज रैम वगैरह यूज़ करेगा। दोस्तों, हम सभी के फ़ोन में कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन वगैरह होता है जो कि हम जाकर भी डिलीट नहीं कर सकते, राइट? तो दोस्तों, उस तरीके की एप्लीकेशन को डिलीट तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम उसको फ्रेश स्टॉप करके हमारा जो इंटरनल स्टोरेज है वो कंज्यूम करने से बचा सकते हैं। बेसिकली सबका तो फ्रेश स्टॉप करने का सारा इंटरफेस जो है वो चेंज होता है, लेकिन मेरा लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फो निकलता है, उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद मेरा इस क्रोम का जो है सारे के सारे डाटा जो है सामने आ जाता है, राइट? उसके बाद आप जो है यहाँ पे अपडेट्स को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो और फ्रेश स्टॉप भी कर सकते हो, राइट? तो दोस्तों, जैसे ही कि आप फ्रेश स्टॉप कर दोगे तो आप जो है अपने फ़ोन का बैकग्राउंड पे ये ऑटोमेटिक नहीं जाएगा और आपका रैम वगैरह भी जो है ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। टिप नंबर 3, मूव एप्स टू एसडी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपके फ़ोन पे जो है आप जब कुछ एप्लीकेशन वगैरह को यूज़ करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल फ़ोन पे जो है स्टोर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर वो मोबाइल फ़ोन पे वो उस तरीके के आप इंस्टॉल करके स्टोर करके जाते हो, तो दोस्तों वो कुछ दिनों बाद जो है आपके इंटरनेट स्टोरेज फुल हो जाता है, राइट? तो आप जो है सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के साथ ही उसको एसडी कार्ड पे जो है आप ले जा सकते हो। तो दोस्तों, आप जो एप्लीकेशन वगैरह को इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके इंटरनल स्टोरेज पे जो है अवेलेबल हो जाता है, राइट? तो यार दोस्तों, आप जो है सिंपली से जीमेल पे जाके यहाँ पे सर्च करो मूव एप्स टू एसडी कार्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको सिंपली से यहाँ पे किसी भी एक को इंस्टॉल कर लेना है, और आपका जो फ़ोन पे जो इंटरनल स्टोरेज पे जो कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह है वो आपको सिंपली से आपके एसडी कार्ड पे मूव कर देना है। टिप नंबर 4, डिलीट हैवी फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, आपका फ़ोन जो है कम रैम, कम स्टोरेज, कम प्रोसेसर की होने के बावजूद आप बहुत ज़्यादा हैवी ऐप जो है वहाँ पे रन करने की कोशिश करते हो। जैसे कि आपका अगर 2GB का रैम है मोबाइल फ़ोन पे, 16GB का इंटरनल स्टोरेज है, तो आप जो है वहाँ पे पबजी वगैरह जैसे हैवी गेम्स को आप रन करने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन जो है इतना ज़्यादा लोड नहीं ले सकता, जिसके वजह से आपका फ़ोन ख़राब भी हो सकता है, और आपका फ़ोन अगर ख़राब नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा स्लो भी चलता है। तो दोस्तों, आप अपने फ़ोन से जो हैवी ऐप्स है वो सिंपली से डिलीट कर दोगे तो ही आपके फ़ोन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। टिप नंबर 5, अवॉइड मल्टीटास्किंग स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बहुत से यू ऐप जो है ओपन करते हो, कुछ देर चलाते हो, बंद कर देते हो, ओपन करते हो, कुछ देर चलाते हो, बंद कर देते हो, लेकिन वो जो है बैकग्राउंड पे वो ऐप जो है चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, राइट? आपने भी नोटिस किया होगा कि आप जो है मल्टीटास्किंग जब भी आप करते हो तो आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है।
दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग तो मल्टीटास्किंग का यूज़ करते हो लेकिन आप जो है उनको क्लोज करना भूल जाते हो, राइट। तो दोस्तों आप इतने सारे एप्लीकेशन को अगर बैकग्राउंड पे रन होने दोगे तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है आपका जो रैम है वो यूज़ होता रहेगा और आपको आपका जो फ़ोन है वो स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है इसको सिंपली से ऐसे बंद करते जाइए, इसको जो है जब भी आपको मौका मिले इसको क्लीन कर दीजिए ताकि आपके फ़ोन जो है थोड़ा सा फास्ट वर्क करता रहे। टिप नंबर 6, दोस्तों अगर आपका फ़ोन बहुत ज़रा कम स्टोरेज वाला फ़ोन है या मान लो 16GB, 8GB का इंटरनल स्टोरेज है तो दोस्तों आप एक हैवी SD कार्ड का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप जो है 4GB, 2GB, 6GB इस तरीके का SD कार्ड यूज़ करते हो लेकिन आपका 100-150 रुपया ज़्यादा जाएगा। एक अच्छा कंपनी का अगर आप SD कार्ड ले लेते हो तो बहुत अच्छी तरीके से वो बहुत दिनों तक वर्क भी करता है और आपका जो सारा चीज़ है वो SD कार्ड पे जो है ऑटोमेटिक सिप भी होता रहता है, राइट। तो आप जो एक अच्छी खासा SD कार्ड ले लो जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को जो है फास्ट बना सकते हो। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे पास मिलता हूँ आप लोगों से नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।